लेकिन जैसे ही खाना लगता है तो खाने एक ऐसी चीज है जिसकी खुशबू पाकिस्तानी कौम को 30 किलोमीटर दूर से भी आ जाती है। खाना एक ऐसी चीज है। من سؤالي واختياري فدعائي एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपना वाक्य सुनाया, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने कहा कि मैंने ये वो नए नए अमेरिका से आए थे तो वक्त के बड़े पाबंद हुए और कुछ हदीसें भी सुनी हुई थी कि वादा खिलाफी गुनाह है। तो वो जब यानी मजहब का भी तड़का लग गया उसमें तो वो गोरों से भी आगे निकल गया वक्त की पाबंदी में। वो जब आए तो उनकी शादी होने लगी तो उन्होंने वलीमे का टाइम दिया, कार्ड पे लिखवाया 9 बजे और ये कहा कि 9 बजे का मतलब 9 बजे ही होता है। तो घर वालों से पूछा खाना शुरू कब होगा, तो उनके वालिद ने वालदा ने बताया कि बेटा खाना लिखा 9 बजे लेकिन शुरू 10 बजे 11 बजे होगा, सॉरी 10 नहीं 2 घंटे लेट होता है, 11 बजे खाना शुरू होगा। उन्होंने कहा फिर कार्ड पे लिखवाएं कि 11 बजे, फिर 9 ना लिखवाएं। बात समझ में आ रही है, जब खाने ने 11 बजे शुरू होना है तो हम जब 9 बजे का लिखेंगे तो ये तो झूठ हो जाएगा ना, तो हमने लिखवाना क्या है 11 बजे। उन्होंने कहा बेटा अगर 11 बजे लिखवाए तो लोग आएंगे 1 बजे क्योंकि 11 का मतलब लोग क्या समझते हैं, 1 कि भाई 2 घंटे 11 बजे कोई भी नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं फिर हम 1 बजे लिखवा लेते हैं। तो इसमें वालदैन से भी उनकी बहसबाजी हो रही है, रिश्तेदार कहते पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है, लग रहा है कोई, मुझे पूरे पूरे अल्फाज तो याद नहीं होंगे लेकिन इसी किस्म की बातें हुई होंगी ना, पागल हो गया, सनक गया है और जो है ना दिमाग खराब हो गया। वो नफ्सियात भी पढ़ी हुई है उन्होंने अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में, नफ्सियात में उन्होंने मास्टर किया है तो शायद नफ्सियात पढ़ पढ़ के खुद नफ्सियाती बन गया है। तो वो घर वाले समझ रहे थे ये अमेरिका से नफ्सियात पढ़कर आए हैं तो ये भी क्या हो गए हैं, पागल हो गए। तो 9 बजे का मतलब 9 बजे। तो ये बहस चलती रही चलती रही। उन्होंने कहा ठीक है फिर 9 बजे लिखवाओ लेकिन ये लिखवाओ कि 9 बजे का मतलब क्या है, 9 बजे ही है। अब हुआ क्या, ये टाइम के पाबंद थे ना पाकिस्तान में, टाइम के पाबंद। ये वाकया बड़ा है, वाकया नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि सिर्फ शादी में नहीं है, हर चीज में ऐसे हो रहा है, हर चीज में। तो ना दीन की तरक्की हो सकती है ना दुनिया की तरक्की, फिर जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दें क्योंकि जो चीजें दुनिया में कामयाबी के जो उसूल हैं वही आखिरत में कामयाबी के उसूल हैं। दुनिया में कामयाबी के उसूल जब दौड़ में जीतना है और वक्त की पाबंदी है तो आखिरत में कामयाबी भी इसके बगैर नहीं हो सकती। तो छोड़ दें ये सारे सिलसिले, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, कार्ड पे क्या लिखवाया, 9 बजे। अब 9 बजे तो ब्यूटी पार्लर में दुल्हन गई है। अच्छा वलीमा था, शादी हो चुकी थी, वलीमा था। अब दुल्हन जब ब्यूटी पार्लर में, वो कह रहे हैं 9 बजे जा रही है तो दुल्हन के बगैर तो नहीं ये पहुंचेंगे ना, ये पहुंच गए। उन्होंने कहा जब 9 बजे तो दुल्हन को पहले तैयार होना चाहिए था ना, जो तैयार करवाने वाली जो खवातीन है या जो भी है उनको पहले, वो क्यों लेट आई है, उन पर गुस्सा हो रहे हैं। तो पहुंच गए 9 बजे दुल्हन के बगैर अकेले पहुंच गए। उन्होंने कहा गुस्सा कि मैं अभी से दुल्हन को ना अपने हिसाब से चलाऊंगा ताकि आइंदा उसको ख्याल हो कि मैंने लेट तैयार नहीं होना है, कहीं भी तकरीब में दावत में जाते हैं तो एक दफा की तंबीह से दुल्हन भी समझ जाएगी मेरा मियां वक्त का बहुत ज्यादा पाबंद। पहुंच गए, कह रहे मैं अकेला पहुंच गया वहां हॉल में, कोई नहीं, अकेला दूल्हा पहुंच गया। कह रहे वहां जाके मैंने जो कुक थे उनसे मैंने कहा कि भाई खाना लगा दो, खाना लगा दो। उन्होंने कहा साहब क्या बात कर रहे हो, कौन हो आप, खाना कैसे लगेगा, खाना तो अभी पकना शुरू हुआ है। मैंने कहा भाई 9 बजे का टाइम दिया था, खाना लगेगा, खाना अभी लगेगा। वो गुस्सा कर, तुम कौन होते हो। उन्होंने कहा मैं दूल्हा हूं। अब दूल्हा का सुनकर ना वो थोड़े से सटपटाए। बाहर इसने धमकियां दी, बोला कि अभी जितनी जल्दी हो सके खाना लगा दो, कोई आए या ना आए, एक दफा करना पड़ता है फिर कौम खुद ही आदी हो जाती है, फिर तो सब इशारे में बात फैल गई ना। तो खाना लगेगा, लाजमी लगेगा अभी। कह रहे उनको इतना मैंने दबाव डाला और मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा और ये होगा वो होगा, बहरहाल वो जल्दी जल्दी हरकत में आया, खाना लगा दिया, अकेले बैठे नहीं ये दूसरा मियों खाना लग गया। लेकिन जैसे ही खाना लगता है तो खाने एक ऐसी चीज है जिसकी खुशबू पाकिस्तानी कौम को 30 किलोमीटर दूर से भी आ जाती है। खाना एक ऐसी चीज, तो जब लगा तो पता नहीं हुदहुद ने मुखबरी की है या चिड़ियाओं ने या कौओं ने, पूरी कौम को पता चल गया, कहीं ना कहीं से एक भी SMS हो गया ना
तो फिर लोग भागते हैं। सिर्फ एक खाना ऐसी चीज है जिसको लोग कहते हैं कि यार ये वक्त से पहले मेरे पेट में उतर जाए। दावतों में ऐसा होता है ना, बाद शादियों में धड़ाम से टूटते हैं, ये नहीं कि अब आराम से बैठ जाओ, लेट हो जाओ थोड़ा सा। भाई जब शादी ब्याह में जब खाना खुलता है तो कैसा मेजों की तरफ सब भागते हैं ना इकट्ठे, तो उसमें ये नियत कर ले कि मैं जैसे फजर की नमाज में लेट था, जोहर में लेट था और हर हर काम मेरा लेट हो रहा है, तो आज मैं खाना भी थोड़ा सा लेट खाऊंगा। बैठे रहे, उसमें नहीं बैठते हम लोग, उसमें कोशिश होती है सबसे पहले मैं जाऊं। तो जैसे ही कह रहे हैं वो उसकी खुशबू आलम में फैली है, तो जो जो रिश्तेदार थे सारे तगड़ तगड़ दौड़ते हुए आ रहे, और 15 मिनट के अंदर पूरी पब्लिक पहुंच गई, यानी 9:30 बजे पब्लिक पहुंच गई, 9:30 या 10:15 जो भी टाइम था, जितनी देर में खाना तैयार हुआ जल्दी जल्दी उन्होंने किया तो पहुंच गए सारे। अब पहुंच गए तो मैसेज भी चल रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं मैंने अजीब मंजर देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं जो इनवाइट नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ ये मंजर देख रहे हैं शादी हॉल में। तो हमने उनसे पूछा भाई तुम लोग कौन हो, तो कहते हैं हमें बताया गया था कि इस बंदे की शादी हो रही है, देखे जरूर जाके, इसके बारे में मशहूर था कि ये वक्त पर काम करता है, तो हम सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए आए हैं कि आप अमरीका से आए हो और सुना है कि आप वक्त के पाबंद हो, तो हम देखें आपकी शादी में क्या हो रहा है, कैसे हो रही है, तो ये इंजॉय करने के लिए आए, देखने के लिए। उसके बाद सब रिश्तेदारों को पता चल गया कि ये जब 9 बजे कहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, 9 बजे एक दफा समझा दी। अब बेगम को जब वो कहते हैं बेगम फला जगह जाना है शादी ब्याह में तकरीब में 8 बजे, तो बेगम साहिबा 8 बजे तैयार होके पहले से बैठी हुई हो।